सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हो सभी। आई होप सर मेरे भाई मस्त होंगे। सो गाइस, कि आप सभी को पता है कुछ दिन पहले मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आप लोग मतलब कैनवा एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग अपने फोटो के अंदर कपड़े वगैरह को यहां पर आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ भाई कमेंट यहां पर ये आया कि भाई उस एप्लीकेशन के अंदर हमारा मतलब यहां पर फोटो जूम नहीं होता या हमारा मतलब ये ब्रश सही से काम नहीं करता है और बहुत कुछ। तो गाइस, उस एप्लीकेशन को आप लोग को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग मतलब पिक्सार एप्लीकेशन के अंदर ही आप लोग अपने फोटो कपड़े को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वही बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन कैसे करना है वो आप लोग वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वाला वीडियो को आप लोग 3 से 4 में जरूर से देख लीजिएगा और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को तो इस वाला वीडियो को आप लोग 1 लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइस, पिक्सार्ट एप्लीकेशन से अपने मतलब फोटो के अंदर कपड़े को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोग को मतलब पिक्सार्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहें, ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मतलब ओपन के आइकॉन पर एक बार टैप करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर क्या करता हूँ सिंपली मतलब स्किप के ऑप्शन पे एक बार टैप करता हूँ क्योंकि मेरे को लॉगिन यहाँ पर नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पे टैप करता हूँ और यहाँ पर फिर से कट के ऑप्शन पे एक बार टैप करके यहाँ से ऑलो के ऑप्शन पे टैप करता हूँ और ऑल फोटोज के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके जिस फोटो में अपने मतलब कपड़े को यहाँ पर चेंज करना है उस वाले फोटो को ऐड यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपली मतलब इस वाला फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, आप लोग ये देख ही सकते हो यहाँ पर। और इसे मैंने 2 काम पहले ही करके रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसे मतलब बैकग्राउंड चेंज किया हूँ और मतलब फेस को स्मूथ किया हूँ। अगर आप लोग को ये सब नहीं करने आता है तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमारे मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर आप लोग को मतलब पिक्सार्ट सीवी एडिटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिलता है। तो आप लोग कोई वीडियो देख के सीख सकते हैं कैसे मतलब पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करते हैं। तो अपने मतलब फोटो के अंदर कपड़े को यहाँ पर चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ आप लोग को मतलब गोल्ड के जस्ट नीचे एक टूल नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस वाले टूल्स के ऑप्शन पर टैप करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को नया टूल देखने को मिलता है जो कि मतलब AI रिप्लेस के नाम से आया है। और अगर आप लोग के पिक्सार एप्लीकेशन में ये वाला टूल मतलब नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिक्सार एप्लीकेशन को डाउनलोड पहले कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और अपने फोन को यहाँ पर रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला टूल आ जाएगा आपके पिक्सार एप्लीकेशन में। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस वाले AI रिप्लेस के ऑप्शन पर टैप करना है इस तरह से। तो AI रिप्लेस के ऑप्शन पर टैप करते ही आप लोग सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो मतलब साइज लिखा है तो इसके ब्रश साइज को हम लोग को हल्का सा कम कर लेना है इस तरह से और दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करके अपने कपड़े के ऊपर ये वाला ब्रश को यहाँ पर ड्रॉ करना है पूरे कपड़े के ऊपर, यहाँ पर इस तरह से करना है। मैं आप लोग को वीडियो को फास्ट करके अच्छे तरीके से करके यहाँ पर दिखलाता हूँ। जितना आप लोग मतलब बेहतरीन तरीके से करोगे उतना ही आपके फोटो में कपड़े यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर चेंज होगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पर क्या किया है, टाइम देकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने मतलब कपड़े पर ये वाला ब्रश को ड्रॉ कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ब्रश को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप लोग को मतलब रिप्लेस नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस बार रिप्लेस के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को मतलब सर्च का एक ऑप्शन आएगा तो इस वाले सर्च के ऑप्शन पर टैप करना है और जिस कपड़े को आप लोग को मतलब अपने फोटो के अंदर लगाना होगा उस कपड़े को यहाँ पर सर्च करना है। तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैकेट यहाँ पर सर्च करता हूँ, JACKET करके यहाँ पर सर्च करता हूँ और जनरेट इमेज के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो हल्का सा मतलब यहाँ पर लोड ये होगा। तो गाइज, मतलब यहाँ पर लोडिंग होते ही आप लोग से ना 2 फोटो यहाँ पर शो कर देगा, आप लोग देख ही सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वाला फोटो पसंद आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप करके फोटो को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। और फिर भी अगर आप लोग को पसंद नहीं आता है तो नीचे में आप लोग को शो मोर रिजल्ट का एक ऑप्शन आता है, तो इस वाले शो मोर रिजल्ट के ऑप्शन पर टैप करोगे तो फिर से यहाँ पर 2 फोटो और शो कर देगा। हल्का सा मतलब वेट करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ सेकेंड। तो अगर आप लोग को ये पसंद आ जाता है तो आप लोग मतलब यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आप लोग को फोटो को मतलब गैलरी के अंदर भी दिखलाता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारे फोटो के अंदर कपड़े यहाँ पर चेंज हुआ है, बिल्कुल मतलब रियल तरीका लग रहा है, यहाँ पर कोई फेक नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और मतलब कपड़े को यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से पिक्सर एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ और यहाँ पर बैक के ऑप्शन पे एक बार टैप करता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैन हुडीज यहाँ पर करके सर्च कर लेता हूँ और सिंपली जनरेट इमेज के ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ। तो रिजल्ट आप लोग के मतलब सामने है, आप लोग देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से कपड़े यहाँ पर चेंज हुआ है। और फिर भी अगर आप लोग का पसंद नहीं आता है तो सिंपली आप लोग सो मोर रिजल्ट के ऑप्शन पर टैप करके फिर से मतलब इसको जनरेट कर सकते हो। जितना आप लोग चाहो उतना मतलब जनरेट यहाँ पर कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार और मतलब जनरेट इमेज के ऑप्शन पर टैप करता हूँ, सॉरी सो मोर रिजल्ट के ऑप्शन पर। तो अगर मान के चले मेरे को ये वाला पसंद आ जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऊपर मतलब एक बार टैप करूँगा इस तरह से और यहाँ पर क्या करूँगा, डन के ऑप्शन पे एक बार यहाँ पर टैप मैं कर देता हूँ। तो अगर आप लोग मतलब फोटो को और अच्छे तरीके से एडिट वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आप लोग को बहुत सारे टूल मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग अपने फोटो को और बेहतरीन एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने मतलब फोटो को हल्का सा HD के अंदर बनाऊँगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मतलब टूल्स के ऑप्शन पर टैप करता हूँ और यहाँ पर आप लोग को मतलब AI इन्हेंचर नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर एक बार टैप करना है और सिंपली यहाँ पर गो टू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो हल्का सा मतलब यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, आपका मतलब फोटो यहाँ पर HD के अंदर बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पहले मतलब हमारा फोटो कितना ब्लर टाइप का था और इस वाले टूल का यूज करके मैंने अपने फोटो कितना HD के अंदर बना लिया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को हम लोग लेफ्ट साइड की ओर रख के सिंपली इसके मतलब इन्हेंस को फुल इंक्रीज करके यहाँ पर डन के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। तो यही था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वाला वीडियो को 1 लाइक और जरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फोटो को यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली इस वाला आइकॉन के ऊपर टैप करेंगे तो फोटो यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।